हेलो, गुड इवनिंग। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे एंड इसके साथ करने के लिए आपको नोटबुक लेके बैठना होगा और मेरे साथ के साथ करेंगे। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? जल्दी से एक बार सारे बच्चे आ जाओ और मुझे बता दो जल्दी से कि ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। प्रिया, थैंक यू सो मच। प्रिया, जय हिंद। चलिए आप लोग जल्दी से आ जाओ। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका थंबनेल, तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, मैंने कल ही मेंशन कर दिया था। हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, हिस्ट्री मैं आपको वैसे वाले दिन में कराऊंगी। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बताई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे भी आपको हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं बस। ठीक है, चलिए ऑल क्लियर ना, सब कुछ क्लियर है ना, ऑडियो एंड वीडियो हम शुरू करें आज की क्लास। चलिए देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सारे। थैंक यू कोमल, मैंने पढ़ तो लिया प्रिया आपका कमेंट, मैंने बोला तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बातें नहीं, अब पढ़ाई में ध्यान देंगे। देखो, स्टेडियम एंड इंडिया, इसमें हम सब कुछ क्लियर है ना, ऑडियो। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, आपको स्टेडियम का नाम देते हैं, क्वेश्चंस के टाइप समझेंगे पहले एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखिए, आपको स्टेडियम का नाम देगा और बताना होगा आपको कि ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है, इंडिया के कौन से स्टेट में है। क्लियर? दूसरी चीज क्या होती है कि वो किस चीज का स्टेडियम है, मतलब कौन से स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का है, किस चीज का है। ठीक है, तो इस तरीके से थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, या तो आपको पूछेगा कि ये स्टेडियम डायरेक्टली बताइए किस चीज का है, या फिर पूछेगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलो अब हम आज का क्लास शुरू करते हैं, सबको सब कुछ क्लियर है ना। तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ एक नोटबुक लेके बैठना जिससे आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका नेम है, ध्यान से देखना, अपने आप लिस्ट बना लेना एक नेम। फिर उसके बाद सेकेंड है प्लेस, कहाँ पे है वो। क्लियर? एंड थर्ड है आपका गेम, किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही एक लिस्ट बना लेंगे, नेम प्लेस, मतलब नेम किसका नेम होगा बच्चा, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेडियम, तो किसका नेम होगा आपका, स्टेडियम का। ठीक है, तो नेम के यहाँ पे किस चीज का नेम होगा आपका, स्टेडियम का। एंड प्लेस, कहाँ पे वो है आपका सिचुएटेड। एंड उसके अलावा गेम, कौन से गेम के लिए वो फेमस है। हाँ अनु अन्नापूरा, हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ाई करिए एकदम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहला स्टेडियम को आपको नाम भी लिखना है और बोलना भी है, वेनखेड़े स्टेडियम, क्या नाम है सबसे पहले का। ठीक है, अब कहाँ पे है ये आपका लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और किस स्पोर्ट्स का है, किस स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट। तो पहला स्टेडियम आपका क्लियर हो गया होगा, वेनखेड़े स्टेडियम किस चीज का है, क्रिकेट का है। एंड कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेस कौन सा है आपका, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब सेकेंड है आपका, ये तो सबको पता है और ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। ठीक है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये आप सबको पता होगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में है। सबसे इंपॉर्टेंट वन में से एक इंपॉर्टेंट ये आपका, फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है, दिल्ली में है और किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर, सेकेंड क्लियर। अब देखिए उसके बाद थर्ड, थर्ड आपका है, अभी तक जितने हमने गए उसमें इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट था, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। ठीक है, दिल्ली में है एंड क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखिए अगला है आपका एमए चिदंबरम स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में है और किस चीज का स्टेडियम है, क्रिकेट का। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, तो नेशनल गेम क्या है इंडिया का, क्रिकेट है कि कुछ और है।
ठीक है। चलिए अब ये फोर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ आपके एग्जाम में बहुत बार आया भी है, फोर्थ एडन गार्डन, ये कहाँ पे है इसको भी याद रखेंगे। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और किस चीज का है, क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है। तो फिर फोर्थ इज इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने सेकेंड किया फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली में है, क्रिकेट के लिए फेमस है। फोर्थ हमने किया जो इम्पोर्टेंट है, एडन गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड किस चीज का है, क्रिकेट का। हाँ वेरी गुड, हॉकी है। हाँ बिल्कुल सही, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आपके ग्राउंड है ना इंडिया में, वो आपको बहुत सारे मिलेंगे सारे के सारे देखने के लिए क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। हाँ हॉकी, वेरी गुड। चलिए देखिए उसके बाद अगला है। अभी तक आपको क्रिकेट के लिए दो ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। इसमें हैं बहुत सारे, बट मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है ग्यामक्खा ग्राउंड, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड क्रिकेट के लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर देना, ठीक है। अगला है JSCA स्टेडियम झारखंड, कहाँ पे है, झारखंड में है और किस चीज के लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए। तो झारखंड से हमारे कौन से प्लेयर है बताएंगे जल्दी से कमेंट में। अगला अगला है सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड हैदराबाद तेलंगाना में, किस चीज का स्टेडियम है, क्रिकेट का। तो अभी तक जितना हमने किया उसमें अगेन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका यही है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। और उससे पहले आपको क्या याद रखना है, इम्पोर्टेंट JSCA स्टेडियम जो रांची झारखंड में है। वेरी गुड वेरी गुड, MS धोनी, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद अगला है आपका बाराटुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान क्रिकेट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद करेंगे, इतने सारे याद नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे स्टेडियम जितने भी दिखेंगे ना, ये आपको मोस्टली दिखेंगे क्रिकेट के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मौलाना आजाद स्टेडियम, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी फिर से क्रिकेट का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में है, आप नाम से भी इसको समझ सकते हैं, मौलाना आजाद, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका क्रिकेट के लिए जो आपके फेमस है ना, वो एलेन गार्डन है और जो दिल्ली में है फिरोजशाह कोटला, ये सारे फेमस हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपको याद रखना है सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है, कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, गुजरात अहमदाबाद में, किस चीज का है, ये भी आपका क्रिकेट का है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मोती बाग स्टेडियम, ये भी आपका कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में, किस चीज का है, क्रिकेट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये सब नहीं याद रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट आपको ये सब आप स्किप कर देना, शेरे कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट, ये भी नहीं याद रखेंगे, जो इतने फेमस नहीं है वो नहीं याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो याद रख सकते हैं वो है गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड क्रिकेट, जो कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। बाकी ये सब बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ने हैं। ये सारे आज हम जितने भी देखे हैं, हमने सारे के सारे क्रिकेट के ही स्टेडियम है मोस्टली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका HPCA स्टेडियम क्रिकेट का है, ये भी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये सब बिल्कुल भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट में इतने डीप में नहीं पूछते हैं ये सब स्टेडियम के बारे में, तो ये सब आप स्किप कर देंगे। अब इसके बाद आप आएंगे, ये सब भी नहीं करेंगे, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देंगे, बस मैंने आपको सारा डिटेल में दे दिया है यहाँ पे, आप बस एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट शुरू होंगे वो यहाँ से हैं आपके, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कानपुर यूपी में, कानपुर कहाँ पे आता है, यूपी में, किस स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट का,
है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है। एंड किस कानपुर कहाँ आता है आपका? यूपी में। और कौन से स्पोर्ट्स है? क्रिकेट, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम, तो ग्रेटर नोएडा आपका में आपका एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और एक किस चीज का स्टेडियम है? क्रिकेट का, ठीक है। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके कुछ और इम्पोर्टेंट शुरू होते हैं बाकी स्पोर्ट्स के भी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, देखिए ये तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। ये किस चीज का स्टेडियम है? क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, क्रिकेट एंड फुटबॉल का है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेडियम आपको याद रखना है, गुरु नानक स्टेडियम कहाँ पे है? लुधियाना पंजाब में। किस चीज के लिए फेमस है? फुटबॉल। तो याद रखना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए गुरु नानक स्टेडियम इज लोकेटेड वेयर, तो कहाँ पे लोकेटेड है गुरु नानक स्टेडियम? पंजाब में। और किस चीज के लिए फेमस है? फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला स्टेडियम आपका, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला आपको याद रखना है बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची, ये कहाँ है? झारखंड में। और किस चीज के लिए फेमस है? हॉकी, ठीक है। बिरसा मुंडा आपकी एक ट्राइब भी थी, तो उसके नाम पे आपको इसको याद रखना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है रांची में, झारखंड में है, जो किस चीज के लिए फेमस है? हॉकी के लिए। उसके बाद अगला आपको याद रखना है नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम मल्टीपर्पज में आपके आते हैं। देखिए पहला मल्टीपर्पज का मतलब तो बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज में सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो रखना है नेहरू स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। दूसरा आपको जो मल्टीपर्पज वाला याद रखना है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये भी मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, थर्ड मल्टीपर्पज में तीन स्टेडियम याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है आपका वो है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पे है? जलंधर पंजाब में। ये भी किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों? आपका मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिलीप ट्रिंकी स्टेडियम याद रखना आपको एक, ये उड़ीसा में है, जो हॉकी के लिए है, ठीक है। ध्यानचंद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, इसका अवार्ड जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो हम अवार्ड्स में करेंगे, स्टेडियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वहां पे आ जाएगा ये। तो मल्टीपर्पज वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया ये याद रखना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम है, ये भुवनेश्वर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए भी हैं, कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेडियम आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में लोकेटेड है, ठीक है। ये बाकी मल्टीपर्पज के लिए और इतने याद नहीं रखेंगे, मल्टीपर्पज में बहुत सारे गेम्स वहां पे कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है आपका, ये क्या है? कोची केरला में है, ठीक है। तो ये भी कैसे यूज होता है? मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज का समझते हैं ना आप लोग, एक से ज्यादा गेम वहां पे कराए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट ये सारे, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इंदौर स्टेडियम है, कहाँ पे है? ये आपका गोवा के पास लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको कुछ मैंने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ थोड़े बहुत से नॉर्मल से बताए, जिसमें आपको कुछ कुछ याद रखने हैं, तो एक बार मैं आपको रिवीज दोबारा से बता देती हूँ कौन कौन से याद रखेंगे। अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जल्दी से, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पे लोकेटेड है? जल्दी बताएंगे कहाँ पे लोकेटेड है। अब आप आंसर देना शुरू करेंगे, अभी हमने जितने पढ़े हैं, अब 5 मिनट जल्दी से आपका एमसीक्यू सेशन चलेगा, जिसमें सारे जो भी अभी हमने पढ़े हैं ये सबके आंसर देंगे आप लोग जल्दी से, सारे के सारे कमेंट में आंसर्स देंगे आप जो भी मैं पूछूंगी आपसे। अभी हमने कुछ थोड़े से ही करे आज, बहुत ज्यादा नहीं करे, बहुत थोड़े से करे, तो मुझे आंसर देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है।